तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा इनकी तारीफ में पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला शौक के सफर ऐसा एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं पा आचार्य जी।, 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 जी जो आचार्य जी बोली अरे आप में आ मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था जरूर दो मिनट राम 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 बोला करिए नमस्कार आप सब को मेरी राम राम मैं हूं और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राम नीति पर आपने राजनीति तो खूब देखी होगी व्यूअर्स लेकिन आज मैं आपको राम नीति से राष्ट्रनीति कैसे जुड़ती है इसकी एक झलक दिखाऊंगा क्योंकि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़े संदेश दिए और कहा कि चेतना का विस्तार देव से देश और राम से राष्ट्र तक होना चाहिए अब जरा राम होने का अर्थ समझिए राम वो है जिनके लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई मंत्र के साथ चुनावी शंकरात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल ऐसा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्षी गठबंधन के प्राण निकलने की नौबत आ गई है ममता बनर्जी और भगवंत मान कांग्रेस को कोस रहे हैं जेडीयू और आरजेडी में खुली बेड़ंत शुरू हो चुकी है सीट शेयरिंग पर अखिलेश ने अपना पासा फेंक दिया है लखनऊ से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है जिसमें कांग्रेस नाराज बताई जा रही है महाराष्ट्र में भी सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम और अपने काम के दम पर 2024 की ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की नींव खिसकती हुई दरकती हुई दिख रही है तो क्या वाकई राम के नाम पर सब कुछ दाव पर लगा देने वाली बीजेपी 2024 में 400 पार का टारगेट पूरा कर लेगी या फिर ये एक सपने जैसा है आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच से इन युवाओं के बीच से होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस राम नीति से राष्ट्र नीति संयोग है कि एक तरफ मोदी राज में देश को नया राष्ट्र मंदिर यानी नई संसद मिली तो दूसरी तरफ रामलला का मंदिर भी तैयार हो गया साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राम से राष्ट्र की प्रेरणा का भी संदेश दे दिया अपने अंतकरण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट्र तक होना चाहिए आपके आंखों में कितने आंसू थे और आप आप भाव विभोर थे बहुत बार जिंदगी में ऐसे दृश्य हुए हैं जो मैं भावुक हुआ हूँ लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया राम लला जो थे वो साढ़े पांच सौ साल का इंतजार कर रहे थे राम को देखकर क्या लगा यही लगा कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में ये क्षण ईश्वर ने हमें दिया ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है राम तो सबके हैं तो अगर किसी खिलाड़ी के टाइम में वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए तो वो खिलाड़ी बल्ला नहीं लहराएगा कि देखो मैंने जिता दिया मैंने जिता दिया राम काज के ठीक बाद मोदी गरीब काज में जुट गए हैं 22 तारीख को मोदी जी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास तो अगर प्रांत प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों चल सकता है चुनता रहा वो राह इस बीच बीजेपी ने 2024 के चुनाव का शंख नाथ कर दिया पहले बीजेपी ने चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया तभी तो सब मोदी को चुनते तभी तो सब मोदी को चुनते और इसके बाद पीएम मोदी ने बुलंद शहर में हंकार भरी हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है लेकिन दूसरी तरफ का हाल भी देख लीजिए इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उधर विपक्षी गठबंधन के प्राण निकलने लगे एम का अकेले चुनाव लड़ने का प्लान आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी वहीं जेडीयू नाराज है एसपी नाराज है एम से सीटों पर माथा पच्ची जारी है हालत यह है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं परिवारवाद पर वार कर रहे हैं तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इशारों में नीतीश कुमार को आईना दिखा रही हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस राम नीति से राष्ट्र नीति राम नीति से राष्ट्र नीति लेकिन आज के बहस के मुद्दे क्या है पहला मुद्दा राम भक्ति से बढ़ेगी बीजेपी की सियासी शक्ति पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू स्वार्थ का टकराव विपक्ष में बखराव बिखराव है बंगाल से पंजाब तक और तीसरा मुद्दा मोदी का विरोध करते करते राम के विरोध में विपक्ष उतर आया है और विपक्षी नेता खुद ही आवाज बोल रहे हैं कि हमारा पटाक्षेप हो रहा है क्योंकि हम मोदी के आगे के विरोध के चलते हम राम का विरोध कर 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 रहे हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज मंच पे कौन है जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जो कि सांसद है प्रवक्ता है जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राजकुमार भाटी का प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता है उनका अभिनंदन है और आचार्य प्रमोद किश्रम है कांग्रेस पार्टी के एक नेता और एक लाते नेता जो कि विपक्ष से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो एक बार इनके लिए बिता लिया कि इतना बड़ा इतना बड़ा जोखिम भर लिया इन्होंने। तो सुधांशु जी यह चर्चा आज जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह हमारा पहला पब्लिक कार्यक्रम है अयोध्यापुरी में तो हमने कई सारे कार्यक्रम करे लेकिन स्टूडियोज में ये पहला कार्यक्रम है तो सबसे पहले तो राम से राष्ट्र और देश से देव की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब 400 की तरफ आंखें जमा कर देख रही है क्या ये तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस है ये देखिए भाजपा श्री राम मंदिर के विषय को चुनावी तो क्या राजनीतिक विषय भी नहीं मानती यह भारत की अस्मिता का विषय इसलिए अमित जी हम 400 की तरफ नहीं हम 1000 की तरफ देख रहे हैं एक हज़ार क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा इस अमृत काल के 25 वर्ष में जो भारत का आधार बनेगा वो एक हजार वर्षों तक भारत का भविष्य तय करेगा एक हजार साल में क्या व्यवस्था रहेगी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था रहेगी वर्तमान पार्लियामेंट्री व्यवस्था रहेगी उससे उससे परे जाकर हम विचार कर रहे हैं दस साल पुराना भारत भी और एक साल आगे का भारत भी अर्थात हमारी सोच चुनावी नहीं चुनाव मूलक नहीं सभ्यता मूलक है इलेक्टोरल नहीं सिविलाइजेशनल है मैं विस्तार में नहीं जाकर सिर्फ दो ही उदाहरण दूंगा जब बाबरी ढांचा था जिसको विवादित ढांचा कहा जाता था तब हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी सोना गिरवी रखा गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक बिलियन के नीचे था भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी दो दो बार रुपए का डिवेल्युवेशन हुआ था और आज जब मंदिर बना है तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था 620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज और टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था है और बाकी सारी चीजों में आगे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई कहेगा कि भाई इसमें संयोग है तो मैं कहता हूं ये जो हुआ है यह राम की कृपा से हुआ है कैसे कि जब हनुमान जी पूरा लंका दहन करके वापस आ गए थे तो रामचंद जी ने उनसे कहा कि अरे तुमने तो बड़ा भारी काम कर दिया जैसे आज जनता कह रही है मोदी जी ने बड़ा भारी काम कर दिया तो मैं मोदी जी की तरफ से कहना चाहता हूं जो किया है वो जनता जनार्दन के आदेश और राम की कृपा से हुआ है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया था यह सब तब प्रताप रघुराई नाथ न मोरी प्रभुताई ये रघुराज की कृपा है या रघुराज का प्रताप है कि बीजेपी जो है वो सत्ता में बार बार आई खासतौर पर बीते दस साल के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली अब तो रघुराज का मंदिर बना दिया है अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर साहब को जो कि वंचितों शोषितों और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा गए उनको भारत रत्न दे दिया है नीतीश बाबू भी तारीफ कर रहे हैं तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई दूसरी तरफ बंगाल से लेकर पंजाब तक विपक्षी गठबंधन की चूल्हे हिल गई मैं तो एक सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से और उम्मीद करता हूँ आप भी ईमानदार जवाब जवाबदार जी 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 एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल हैं दूसरी तरफ 28 दलों का इंडिया गठबंधन इन है इनमें 100 खूबी हैं और हम में 100 बुराई हूँ लेकिन एक खूबी तो हम में भी होगी कोई एक तारीफ करने लायक बात तो होगी पिछले दो ढाई साल में तीन साल में आपने एक शो में एक शब्द तारीफ का विपक्ष के किसी पार्टी के लिए कहा हो तो मुझे आप अपने वो क्लिप दिखा दें या वो बता दें चले भेज दूंगा आपको क्या, क्या हम में सारी बुराई, बुराई बुराई है भेज दूंगा आपने बोला मैं मेरे को भेज दूंगा आपको मैंने बोला भेज दूंगा मैं मुझे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ही बात याद आती है जो भजन मैंने सुना आज अपनी गाड़ी में बैठे हुए और वो भजन था हार गए बैरी मेरे रघुवर जीत गए अब बताइए सब बैरी हार में गए में और रघुवर जीत गए आपकी बोल दो इनकी तारीफ में एक शान में एक बात कह दूर अरे 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 अगर अरे इनकी तारीफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मीडिया से मेरे प्रश्न है आप ये व्यक्तिगत लें सर चुनाव बीजेपी से लड़ लो मीडिया के साथ मत लड़ो नहीं नहीं कांग्रेस ने लड़ा था तीनों राज्य चले गए उनके देखिए सुनिए मीडिया अगर एक पक्षी रहेगा तो मीडिया नहीं जाता मीडिया तो वो है जो बीच में मीडियम जो बीच में खड़ा है बिल्कुल हम के साथ, साथ खड़े हैं हम ना बीजेपी के, के, के साथ खड़े हैं मोदी जी के साथ खड़े हैं हम में साथ खड़े हैं जो विषय में सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं जो राम के औचित्य पे सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं हम राम और इस देश के साथ हैं जो राम और देश के साथ है उसके साथ हम हैं और मुझे पता है आप भी राम और देश के साथ ही हो अगर मौर्य के साथ थोड़ी हो आप आपने सुधांशु जी से पूछा कि क्या 400 की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी की पार्टी दस वर्ष से सत्ता में है माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी दस वर्ष से सत्ता में मुझे अच्छा लगता अगर नरेंद्र मोदी के कामों के बल पर सुधांशु जी दावा करते कि ये काम उन्होंने किए हम इसलिए चार सौ की तरफ हैं ये केवल राम भरोसे हैं और राम भरोसे मुहावरा हमारे हैं तब कहा जाता है जब आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं कि अब तो भैया राम भरोसे है मोदी जी ने जब कहा था आप कहते हो बार बार रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई मोदी जी का प्रण तो मैं नहीं था। कह, कहता मोदी जी का आधिकाल से हाँ, कहा जा रहा है सर हाँ मोदी जी का वचन ये था जब सत्ता में आए थे कि पेट्रोल पैंतीस रुपए डीजल बिकाएगा पैंतीस रुपए लीटर बिकाएगा और रुपया की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी आज पेट्रोल सौ पे है डीजल नब्बे पे है और रुपये की कीमत लगातार गिरती गई है लगातार गिरती गई ठीक है आपने अपनी अपनी बात बात आपने आपने को रखा मिनट लगभग आप बोले आपने बोला कि देखिए ये सब मुद्दे उठाने चाहिए पेट्रोल की बढ़ती कीमतें यही बोला ना मुद्दे उठाए स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पत्थर में जान कैसे फूकी जा सकती है नहीं वो पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे हैं नहीं और इसमें हंसने की बात नहीं है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो कहते हैं कि ऐसे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे अगर ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो सोचिए और आपकी पार्टी के वो सर्वोच्च नेता हैं इन द सेंस कि बड़े नेता है, है महासचिव हैं मैं ये आप कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान आपकी पार्टी को हानि करते हैं अब ममता जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया इसमें भी मीडिया की गलती है क्या ममता जी कह रही है कांग्रेस कुछ डिटेल नहीं बता रही हमें मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री अखिलेश यादव जी उनके उनकी, बाद की धर्मी आस्था है और शरी अखिलेश यादव जी की देख रेख में उनके नेतृत्व में इटावा में बहुत बड़ा केदारेश्वर महादेव मंदिर निर्मित निर्माणाधीन है जो लगभग पूरा होने जा रहा है जी उसका हमने कोई मीडिया में कभी प्रचार नहीं किया क्योंकि हम वो धर्म के नाम पर वोट नहीं लेना चाहते अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का सख्त निर्देश है कि कोई भी धार्मिक टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ता न करें किसी की आस्थाओं पर प्रहार ना करें लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र का भी थोड़ा बहुत सम्मान है अरे ऐसा कहीं और भी दिखा दीजिए अगर व्यक्ति का किसी और धर्म पे भी बोल वो, वो रहे हमारे तो दिखाए अमीश जी बोल के तो दिखाए अमीश जी कह तो यहाँ तो पच्चीस बार बोल चुका है अमीश एक बार ही तो बोल के दिखाए तो पता लगेगा क्या होता है कितने कितने कहते हमारी ना पार्टी में पंजाबी में कहावत है कितने विया पता लगेगा जब बोल के दिखाएंगे क्योंकि बहुसंख्यक बहुत बहुत टॉलरेंट है जो अपने रामलला के लिए साढ़े पांच सौ साल का इंतजार कर सकता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के लिए क्या करेगा सुधांश चतुर्वेदी सुधांत चतुर्वेदी सुधांश चुतुर्वेदी कृपया एक बार हाँ जी एक वाक्य बोलिए पहली बात तो समाजवादी पार्टी में हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं ईसाई भी हैं सबके बौद्ध भी हैं सबकी आस्था का सम्मान है दूसरी बात जब आप ये बोलते हैं आप या कोई भी आदमी हम बहुत टॉलरेंट है, है, है ऐसा कहकर आप लोगों को उकसाते हैं कि तुम भी हमले करो रहा आपको टॉलरेंट है और ये टॉलरेंट है ये कम्युनिटी टॉलरेंट है हमें खुश होना चाहिए बिल्कुल खुशी है और नहीं होना चाहिए अच्छी बातें बोलनी चाहिए भाई नहीं होना बोलते ना हमें इंटॉलरेंट है लोग ये टॉलरेंस ही है इस समाज की जनाब डॉलर की बात उन्होंने कही थी अब तो स्थिति ये है कि हमारा ऑयल सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाता है वो तो रूपी रूबल में हो रहा है डॉलर को तो बाहर कर दिया और डॉलर वाले को तो जगह ये हो गई कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बिक गया डूब गया दो बड़े बैंक डूब गए आज अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए वैल्यू लगातार इंटरेस्ट की बढ़ा रहा है इसलिए भारत का डॉलर के अलावा अगर आप देखें जैपनीज येन के मुकाबले हम मजबूत हैं हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत हैं पता नहीं है डॉलर के साथ सती होने के जमाने में कहां पड़े हुए अब जमाने से हम बहुत आगे निकल गए जी, अब मैं दूसरा जवाब देता हूं एक मिनट इनका वो भी जवाब इनकी तारीफ भी करनी है मुझे इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उसमें फूक देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है पूछना चाहता हूं आप उसको सिर्फ मूर्ति मानते हैं या भगवान मानते हैं हम तो भगवान मानते हैं रामदला विराजमान की जो मूर्ति बनी है दोनों तरफ दस अवतार हैं बाई तरफ जो पांच अवतार बने भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है हम उसको भी प्राण प्रतिष्ठित मानते हैं स्वामी प्रसाद से चुनौती से पूछता हूं तुम जो अपने पीछे भगवान भगवान बुद्ध की मूर्ति मानते मानते हो हो या निष्प्राण मानते हो मैं तो प्राण मानता हूं जवाब उनसे चाहिए होगा अब दूसरी बात इनकी तारीफ करने देखिए इनकी कुछ बातें तारीफ के योग्य है देखिए राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में इतनी दूरदृष्टि रखे जो हम लोग नहीं रख पाए उनको पता लग गया अमेठी मामला गड़बड़ है तो कहा दूर देखो दूर देखो दूर देखो, देखो वायनाड इतना दूर तक जाके चुनाव लड़ लिया आ जाता और शायद उसके बाद भी नहीं वो पाते दूसरा जो इंडी गठबंधन है देखिए इनको पता है कि ये मृग मरीचिका है उनको पता है कि इस कश्ती का कोई किनारा नहीं है मगर फिर भी खेते जा रहे हैं तारीफ करने योग्य है तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा इनकी तारीफ में कि कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है शौक सफर ऐसा एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला आचार्य जी मैं आपके पास आता हूँ, भाई पिछले हफ्ते विवेक जी ने लाख आपको समझाया कितनी बार बोला कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ लेकिन आप वहां डटे थे खड़े थे और साधु संतों के बीच में आप बैठे थे तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं भी वहां का साक्षी बना आप भी बने आपके भाव क्या थे देखिए देवगन देवगंज पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ ना कार्यकर्ता हूं ना नेता हूं अभी तक। लेकिन ये तंज है ये तंज है वो जवाब देंगे ओके आचार्य जी लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जिसके साक्षी हम भी बने भगवान की कृपा से और अपने प्रारब्ध और वर्तमान के किन्हीं पुण्य कर्मों के फल की वजह से हम साक्षी बने ये भगवान की कृपा हुई तो मैं इस सब के लिए खुले हृदय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूँ दूसरी बात दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी से कि मैं आपके अनुरोध को मान करके अगर नहीं जाता तो मैं इस पाप का भागी होता और आपने जो मुझे राम मंदिर जाने से रोकने की बात कही थी अब मैं वहाँ होके आया हूँ अब मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन अयोध्या ज़रूर चलें <स्थाथ> और अमीश जी, मैं आपके शो में ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि विवेक जी अगर वहाँ चलेंगे तो जाने अनजाने इनसे जो भूले हुई हैं इनसे जो गलती हुई है इनसे जो गुनाह हुए हैं उनको भगवान राम माफ कर देंगे मैं चाहता हूं कि आप अयोध्या चल इनसे इनके थ्रू आप मैसेज कईयों को दे रहे हैं कि जिनसे जाने अनजाने गलती हो गई आया मामला कईयों ने जान के करी है अब ये विषय यहां से आगे बढ़ता है अब है इंडिया गठबंधन जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक विषय है सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि सारी राजनीति अब भगवान राम के इर्द गिर्द घूम रही है और घूमेगी क्योंकि राम भारत के जनमानस में इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि राम से विमुख हो करके यदि भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है तो मेरे मित्र भारत में लोकतंत्र लोकतंत्र में राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है इसलिए 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 यह इत्तफाक है यह संयोग है या प्रयोग यह देश की जनता को फैसला करना अब इंडिया गठबंधन की बात आती है अमित जी अब तो आपकी सीट पे भी दावा ठोक दिया सपा ने रविदास मेरोत्रा कैंडिडेट है बताइए क्या करिएगा जो सबसे मजबूत सीट थी कांग्रेस की नहीं उनके दिमाग में शायद ये होगा हो सकता है चुनाव आते आते मैं बीजेपी में चला जाऊं तो कांग्रेस से कौन लड़ेगा लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं खैर अब मैं आता हूं इंडिया गठबंधन पे देखिए ये जब लड़े थे तो सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा इनको यूपी में वोट मिला था जबकि सोनिया जी के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा कैंडिडेट इनके इनके खिलाफ खिलाफ उतारा उतारा था था सोनिया जी खिलाफ नहीं चलिए तो तो कांग्रेस की मजबूत सीट थी लखनऊ से सपा ने कैंडिडेट उतार के मैसेज दे दिया है कि आपको गठबंधन करना है तो करो नहीं तो रास्ता नाप नहीं अमित जी सवाल समाजवादी का नहीं है बंगाल में हमें ममता जी कुछ नहीं देना चाहती पंजाब में हमें मान साहब आम आदमी पार्टी बाहर करना चाहती है और महाराष्ट्र में हमें शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी भी हमें कुछ नहीं ज़्यादा देना चाहते और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे छोटे भाई खड़े हैं ये चाहते हैं कि इनका सुपड़ाई साफ हो जाए तो सवाल ये है कि हमारी लड़ाई भाजपा से जितनी है उससे ज़्यादा भीतर हो रही है जब रीजनल पार्टीज को सत्ता मिलती है ताकत मिलती है उसके बाद सबसे पहली दुश्मनी जो होती है वो होती है इनकी कांग्रेस से ये कांग्रेस से कहां गठबंधन चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कहां सीटें चाहते हैं राजस्थान में सुनो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये चुनाव भी लड़े अब मैं ये कहना चाहता हूं कि दीदी वाला जो मसला वो तो हमारी समझ में आता है क्योंकि उस लड़ाई की बुनियाद में कांग्रेस कम है ये ज्यादा है मतलब लेफ्ट ज्यादा है ममता दीदी को खत्म करना चाहता लेफ्ट लेफ्ट को खत्म कर दिया ममता दीदी ने और दोनों जो हैं गुस्सा निकालते हैं कांग्रेस पे तो कांग्रेस ने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि सब अपना ही गुस्सा कांग्रेस पे निकाल रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए दिक्कत है ना ओके एक अब अंत में एक बात कहूं जी लखनऊ में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर यानी अखिलेश जी और मायावती जी मिलकर के उन्नीस में चुनाव लड़े और मैं कांग्रेस से कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे राजनाथ सिंह जी गृहमंत्री मैं उनके खिलाफ था अब सवाल है वहां वोट लगभग दो लाख मुझे प्राप्त हुआ तो जिस सीट पे कांग्रेस को दो लाख वोट मिला मिल हां मिला उसको भी तुम हमें नहीं देना चाहोगे तो इसका मतलब नीयत पे सवाल खड़ा होगा या नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है उसका जवाब ये देंगे ठीक। मुझे ये लगता है बस दस सेकेंड मुझे जी, लगता जी। है कि हम हर बात के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी को बीजेपी को मोदी जी को अमित शाह जी को योगी जी को इनको हम जिम्मेदार बताते रहे तो मुझे लगता मुझे है एक शेर वामपंथ को नहीं मैं इनको भी कह रहा हूं आ, मैं कि तमाम उम्र हम बस एक खता करते रहे धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर बहुत बढ़िया चलिए 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 अब जवाब 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 आगे, आगे 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 जितना जोर दे देवगन से सीट मांग रहे है। इतना जोर अगर जी से मांगेंगे तो 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 दे देंगे वो वो ना ना हम के देने मांग रहे हैं एक सन्यासी अपनी बात को रख रहा है ईगो का है लड़ाई नहीं है पहले पहले अपनी, बोले अपनी मांगो तो देंगे हाथ फैलाओ सियत बनाने की लड़ाई है कांग्रेस अगर हाथ फैलाए तो, हाँ हाँ तो सपा सीट दे देगी हाथ फैलाने को तैयार है किस किस के आगे हाथ फैलाएंगे ममता बनर्जी के आगे उद्धव ठाकरे के आगे अरविंद केजरीवाल के आगे अखिलेश यादव के आगे लेफ्ट के आगे किस किस के आगे हाथ फैलाएंगे पहली बात यह है कि यदि मुझे मांगना होगा तो मैं राम जी से मांगूंगा किसी नेता से नहीं मांगूंगा नहीं 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 सुधांशु जी दूसरी बात दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था सीट कांग्रेस को छूट छूटनी चाहिए तो वो भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं हैं वो आपकी थोड़ी मांगने की बात कर रहे राहुल जी मांगेंगे तो देंगे सीट मांगना पड़ेगा लेकिन नहीं अब अब अगर भाटी जी ये अपने मुंह से कह दें कि अखिलेश जी से राहुल जी सीट मांगे अब क्या कैसे बोलेंगे इसके अलावा कि जोर लगा के अगर राहुल अखिलेश जी को बोला जाएगा तो वो दे भी देते हैं तो और कैसे बोलेंगे आप लोगों को तो इसका ममता जी ने भी तो डायरेक्ट मैसेज दिया इसका मतलब ये भा... है। अब भाटी जी अखिलेश जी के आ, का के मैसेजर है बोल रहे हैं इसका मतलब साफ ये है कि भाटी जी और इनकी पार्टी समझौता या इंडिया का गठबंधन नहीं करना चाहते तो, तो तो, तो फिर नहीं। ये बात हो गई ना कि हम कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं है। और शर्तें लगा रहे हैं तो सीधी बात यह कहो ना भाटी जी कि हाथी मरा नहीं अकड़ गया जी मैं मैं अब अरे मैं मैं एक एक ये इनको राम, राम के नाम से नहीं मिलेगा वो पुराना फिल्म थी पुरानी वाली आंखें याद है इनको तब मिलेगा जब ये कहे दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे जी जी अब ये अब आप देखिए आपने एक सलाह दी ये माने ये माने नहीं अब बंगाल में दीदी सलाह दे रही है सलाह क्या दे रही है वो तो निर्देश दे रही है भगवंत मान निर्देश दे रहे हैं क्या करिएगा आपने एक ख्वाब देखा था लेकिन ये तो चमन जैसे कहते हैं उजड़, उजड़ गया नहीं नहीं कुछ कोई चमन नहीं उजड़ा आई एन डी आई ये खड़ा हुआ है, है बिल्कुल खड़ा हुआ है हर दूसरे महीने हमारी एक डिबेट होती है कभी हम कहते हैं सपा भाग गई कभी हम कहते हैं कोई भाग गया आपको यकीन मानिए ये हाईवे पे चल रहे हैं छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं लास्ट में मिलके ही लड़ेंगे एक आध बाहर निकला तो बाद में जुड़ेगा हैं सारे इकट्ठे और दूसरी बात अब आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रेमी जीव हैं धर्मगुरु हैं बहुत सच्चे भी हैं और प्रेम में बह गए अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत दे करके चुनाव जीतने उनके साथ क्या कर रहे हो आप भक्ति नहीं है यहां पे को दे रहे हैं बिल्कुल कैसे राम के नाम पे राम को रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे क्या हो रहा है बीजेपी क्या कर रही है आरएसएस क्या कर रही है डेवलपमेंट की बात करिए आप प्राइम मिनिस्टर हैं आप क्या कर रहे हैं आप कैमरा भी लगा रहे हैं आप वीडियो भी लगा रहे हैं फोटो भी खिंचवा रहे हैं राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है टीवी पे दिखाया जा रहा है देखिए साहब ग्यारह दिन का अनुष्ठान वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठ करके अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हो कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं आप किनके चक्रों में पड़े आचार्य जी आपने पब्लिक आपने के बीच कब से के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के से वीडियो लगे सन्यास के? बीच कब कब से वीडियो लगे के? कब से, से वीडियो वीडियो लगे सन्यास देखिए एक चौपाई याद रखिए बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई तो राम की कृपा आइए तो आपका भी विवेक ये वैसे ये वामी नहीं, जो जो हैं हैं उस वेताल की तरह है, जो किसी विक्रम के सर पर ही सवार नहीं, रहते। नहीं, आप, ये क्योंकि पता है राज्यसभा के बाद वापस तो आना नहीं है तो वाला वाचक वाला तो मेरा रेडी रहे इन्होंने अपने वक्तव्य में कथा और रट के सुनाने के अलावा आपको क्या फैक्शन अस्सी करोड़ हिंदुस्तानी अस्सी करोड़ हिंदुस्तानी आचार्य जी बोली अरे आप क्रोध में आ गए हैं मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था जरूर दो मिनट राम 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 बोला करिए आपको लाभ मिलेगा राम, राम का नाम राम 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 बोला करिए राम, राम राम बोला करिए ये ये भाजपाइयों का संस्कार है भाजपा की बात नहीं है अरे राम अरे बीजेपी, बीजेपी बीजेपी हो या नहीं हो राम है राम थे और राम रहेंगे अनंत कल तक राम रहेंगे आपने बीजेपी के साथ राम को जोड़कर बीजेपी का उपकार कर दिया है और अपना अपना पोलिटिकल नुकसान हैं

क्या हो गया प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको अरे भाई, क्या हो गया है? मतलब ऐसा किस तरह से आप कर रहे हैं आपके ड्रामे को ड्रामा और मैं चाहता हूं मेरे मित्र इनके साथ बहुत अच्छे आदमी है इनको रोकना पड़ेगा भाई ठीक ठीक बड़ी जरूरत है हम लोगों को इनकी विवेक जी आखिर ये बताइए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर में चला जाता तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है जी जी आपको प्रॉब्लम राम से है या नरेंद्र मोदी से है या नरेंद्र मोदी के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस में हमारे यहाँ हमें बर्बाद करने को भेजे हैं वो जान के भेजे हैं या वो अपने आप चले आए तीसरी बात मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने मुझसे कहा था अयोध्या मत जाओ मैं चला गया ठीक है अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप मेरे साथ कब चलेंगे बताइए मैं, मैं आपका पूरा मैं अरे मैं नास्तिक का भी मैंने आस्तिक बना दूंगा वहां मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव मेरा उत्तर सुन लीजिए और सुनिए जो आस्तिक हैं उनका अयोध्या जाना वो अपना विषय है लेकिन किसी नास्तिक को अगर मैं अयोध्या लेकर चला गया तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा इसलिए मैं चाहता हूं इसलिए मैं चाहता हूं श्रीवास्तव जी भगवान राम की शरण में एक दिन अयोध्या की चौक पे माथा टेके जी उससे मत लड़ो मैं तो आपको, आपको कहना नहीं चाहता हूं। आपको तो रोकना है मुझे आपकी जरूरत कांग्रेस को भी है आपकी जरूरत आई एन डी आई ए को भी है आपकी जरूरत देश को भी बंगाल की जरूरत है उनकी सीट पर कैंडिडेट आप कह रहे जरूरत है जरूरत है जरूरत है आप नहीं जाएंगे आचार्य जी उनका जो भगवान या उनका उनका उन खुदा जो है वो यहाँ इस देश में नहीं है उनको मानस की चौपाई नहीं अच्छी लगेगी मार्क्स काल मार्क्स की खुदाई अच्छी लगेगी उनका खुदा देश के बाहर है इसलिए वो मार्क्स और लेनिन के आगे सर झुकाएंगे राम और कृष्ण के आगे सर नहीं झुकाएंगे ठीक है अगर सब किसी को ऐसा लग रहा है कि राम पे बीजेपी ने क्रेडिट ले लिया तो भाई ताकत आपके पास भी है कृष्ण पे आप ले लो क्रेडिट राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि इस देश में एक राम लहर है उन्होंने बोला कोई राम लहर नहीं है देखिए ये तो इंकार नहीं किया जा सकता कि एक राम लहर है देश के अंदर एक आप उसको किसी पोलिटिकल पार्टी से ना जोड़ के देखिए लेकिन राम लहर है और जो इस राम लहर के खिलाफ आएगा उसके लिए पोलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल है नहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि चुनाव राम के नाम पर हो और राम लहर पर हो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जनता के मुद्दों पर चुनाव को लेकर आएँ अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है रोज़ बम बरसाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पंद्रह हज़ार नौजवान बेरोज़गार नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इज़राइल जाने के लिए मजदूरी करने के लिए उनसे मुख्य चैनल तो ऐसी खबरें दिखाते ही नहीं आजकल एक यूट्यूबर लड़की ने जाके उनसे पूछा वो पंक्ति में लगे हुए थे अपनी जाँच कराने के लिए इजराइल में तो लड़ाई चल रही है आप वहाँ जा रहे हो मर भी सकते हो तो एक ने नहीं दस लोगों से पूछा दस के दस ने जवाब दिया कि यहाँ भी तो भूखे मर रहे हैं क्या करें मरने वहाँ मर जाएंगे तो ठीक है रोटी तो मिलेगी इन हालात पर कौन बात करेगा कर केवल राम और मंदिर में उलझा के जो नौजवानों के मुद्दे हैं जो देश के गरीबों के मुद्दे हैं किसानों के मुद्दे हैं उनको पीछे किया जा रहा है हम उन्हें आगे लाने की कोशिश करेंगे और अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया सरकार ने उसके लिए बहुत बहुत तो बधाई उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर के मुद्दे हैं उन पर भी तो काम करो या खाली भारत रत्न दे दिया जी 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 और यहाँ से भी कई सारे सवाल आए कि मथुरा काशी के ऊपर आप लोग क्या उस विषय में साथ दे तो कुछ देना चाहेंगे साथ जब लाल कृष्ण अडवाणी जी राम रथ लेकर अयोध्या के लिए चले थे तो उसी पार्टी के बड़े नेता श्री वाजपेयी जी ने उनसे कहा था अडवाणी जी जा तो रहे हो लेकिन याद रखना अयोध्या जा रहे हो लंका नहीं जा रहे हो शांति भंग नहीं होनी चाहिए आप धर्म कीजिए धार्मिक कार्य कीजिए कीर्तन कीजिए पूजा तो कीजिए लेकिन दो समुदायों को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र है धर्म स्थलों का नाम लेके वो देश के लिए तो नुकसानदायक तो हाँ उसमें धर्म स्थल तो एक ही था कोई दूसरा धर्म स्थल तो था ही नहीं क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में फ्रॉम मुगल टाइम टू ब्रिटिश टाइम हर जगह मस्जिद जन्म स्थान लिखा था अब वो मस्जिद कौन से धर्म का धर्म स्थल था ये बताने की बात है दूसरी बात अब इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूँ इन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बिल्कुल कहते हैं साहब सामाजिक न्याय का वो वास्तविक पुरोधा था कर्पूरी ठाकुर जी कितने महान शख्सियत थे सोचिए दो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी का इलाज कराने का पच्चीस हजार रुपया नहीं था मैं पूछता हूं कर्पूरी ठाकुर ने कितनी संपत्ति बनाई कितने फॉर्म हाउस बनाए कितने, बनाए? दिन में चार कितने उन्होंने कपड़े भी नहीं बदलते थे सर अरे पूरी बात कर ले सर पूरी बात कर ले नहीं नहीं अपने गांव में एयर स्ट्रिप ऐसी बनवाई जिस पे जेट प्लेन उतर सके क्योंकि एयरपोर्ट नहीं एयरपोर्ट पे तो आम आदमी का भी उतरने का मौका मिलेगा जेट प्लेन जिसका लाखों रुपए घंटे का वो होता है वो करने वाले आज कहते कर्पूरी ठाकुर के साथ हमारे तो लालू यादव तो कपटी ठाकुर कहता था, था कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर अरे भाई कांग्रेस के खिलाफ लड़कर कर्पूरी ठाकुर साहब आए जनसंघ के समर्थन से ठाकुर साहब मुख्यमंत्री गलत कोट कर रहे हैं आप लालू यादव ने कभी नहीं कहा नहीं बेपर दो नहीं कहा तो लालू यादव अंतिम समय तक आप उनके 100 बातों की बात करता और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि पार्टी में प्रूव कर दूंगा इतने साल से तौरे का पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला मैं पूछना चाहता हूं इनकी एक और बात इन्होंने कहा फिलिस्तीन वाली बात तो पता नहीं भैया कौन सा यूट्यूबर है जो 15000 लोगों का इंटरव्यू ले लिया अरे पंद्रह हजार इंटरव्यू के लेने के लिए तो कई घंटों का यूट्यूब होगा तो अब दूसरी आपने कहा पंद्रह हजार रजिस्ट्रेशन कराया पंद्रह हजार लोगों से अच्छा संख्या बताया झूठ बोलता है विशेषा किता है अरे भाई पंद्रह हजार उन लोगों के साथ खड़े जो बच्चे अभी मासूम है वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ फिरिस्तीन में लड़ने के लिए फिदाइन बनने के लिए उनको लिए आप ही रोक रहे अपने को बर्बाद करने के लिए वो वो मरने के लिए वो मरने के लिए ही जाना चाह रहे हैं और उस भावना को आप रोकने का प्रयास नहीं कर रहे बल्कि उन लोग आप समर्थन करते हैं हमास और इसराइल वालों का अब एक और बात कहता हूं इन्होंने रिश्वत की बात कही समस्या ये कि रिश्वत कही तो चक्कर में सारा गठबंधन बन रहा है सबने इतनी रिश्वत ले रखी है कि अपनी अपनी रिश्वत ली है और इसीलिए अब आप सुनिए जवाब देना पड़ेगा दे आपने आपने दो आपने, आपने आपने रहे। दो रहे। राम रिश्वत लेते, क्या बात बोला भगवान राम अरे भाई देने वाले क्योंकि भावना से कोई राम के पास जाए तो भी ना अरे भाई सुनिए आप उनको डर से ही तो सब आपस में आए और इसलिए ऊपर से पोस्टर चिपका रखा है मोदी विरोध का तो मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति जानते क्या इनके गठबंधन की कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार चूंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार मगर इस सिरे से उस अड़ सिरे, अड़ सिरे अड़ तक अड़ सब तरीके जुर्म है आचार्य जी क्या मोदी विरोध में क्या मोदी विरोध में राम विरोध मोदी विरोध में देश विरोध क्या आपको लगता है कि और जब से प्राण प्रतिष्ठा है विपक्षी गठबंधन के प्राण निकलने लग गए हैं हिंदू जनमानस पूरा का पूरा देश में है इसको अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं ये भाजपा के खिलाफ नहीं है ये राम के खिलाफ हो गए इस परसेप्शन को हमें बदलना पड़ेगा जो बीजेपी के विरोधी दल हैं जो इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं पहली बात तो यह है कि उनमें आपस में इतना ना इतफा है कि वो एक हो नहीं पा रहे हैं उनके दिल नहीं मिले वो दलों को मिला रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि पहले दल बाद में मिलते रहेंगे पहले दिल मिलाओ दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि भगवान आपको लग लग रहा रहा मिल जाएंगे आपको ममता बनर्जी और कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस का दिल मिल रहा है आपको लग रहा है अधीर बाबू क्या, क्या क्या बोलते हैं दिल दिल मिल मिल रहा रहा है है सुनो मेरी बात अमीश आप और कांग्रेस का दिल मिल रहा है। अगर बिना दिल मिले निकाह होगा तो तलाक जल्दी होगा अरे यहाँ तो निकाह तक नौबत ही नहीं आ रही दूसरा 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 सुन तो मंगनी से पहले ही दिल अब छुड़ा हो रहा है अमीश देवगन जी अमीश देवगन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम जब हम मिलकर के सब बात करते हैं बीजेपी के खिलाफ जो बात मुद्दे उठाते हैं जो भाटी जी उठा रहे हैं मगर सवाल क्रेडिबिलिटी का है जब हम एक तरफ ऐसा मैसेज हमारा चला गया है कि हम राम के विरोध में हैं भाई मैं पूछना चाहता हूं सारे विपक्षी नेताओं से आपको अयोध्या से प्रॉब्लम क्या है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना मैं सबसे कहना चाहता हूँ अपने साथियों से सा कहना चाहता हूँ एक सेकेंड अगर सारा विपक्ष राम मंदिर से। राम अरे भाई ठीक है राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया अगर राम मंदिर ट्रस्ट निमंत्रण नहीं देता तो हम कहना कह सकते थे कि हाँ वो भाजपा का कार्यक्रम है जब उसने सोनिया जी को बुलाया खड़गे जी को बुलाया अधीर रंजन चौधरी को बुलाया अखिलेश जी को बुलाया सारे लोगों को बुलाया तो सबको जाना चाहिए था अगर आप चले जाते 22 तारीख को तो आप पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगता और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बराबर रहती मैं समझ नहीं पाता हूं भाई राम मंदिर के विरोध का पक्षकार तो इकबाल अंसारी था और इकबाल अंसारी को बुलाया गया इकबाल अंसारी आ गए अबे तुम कौन भाई मैं खाम खा जो लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो आने को तैयार हो गए मगर ये हमारे इवेंट में हम क्यों आए, हम क्यों आए? भाई तो प्रॉब्लम है आप भाई तो प्रॉब्लम है आपकी आप भाई इवेंट था बीजेपी के साथ जो आपका इवेंट था

एक के तो है? इनकी की खासियत है इनकी खासियत जानते क्या है इनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं पर आपको पता है इनका एजेंडा कैसे उन्होंने बताता हूं हो सकता अखिलेश जी के मन में आया हो कि हम चले जाए कांग्रेस में तो मेरी जानकारी है बहुत से लोग इस विचार के थे कि कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए कहां पर मामला क्योंकि राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं वायनाड में गठबंधन मुस्लिम लीग से है और उन्हें डर था वहां कम्युनिस्टों की सरकार है अगर वो चले गए तो मुस्लिम लीग कहीं अपना वोट इनकी तरफ में ट्रांसफर कर दे इन्होंने विरोध किया था एक लोकसभा क्षेत्र के समीकरण के अनुसार का मार्ग प्रशस्त करवा दिया बहुत बड़ी बात बोली है देखिए ये पॉलिटिकल बात है और बहुत बड़ी बात है कि एक सीट बचाने के लिए क्या कांग्रेस ने आहुति दे दी है 2024 के लोकसभा चुनाव की और जो बातें आचार्य जी ने बोली भाटी जी ओके okay, भाटी उस, उसका और ये तो नहीं है कि, कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लेफ्ट के प्लांट करे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लेफ्ट के प्लांट करे हुए आपको नुकसान कर रहे हैं मैं आऊंगा आपके पदार्जी आपकी बात का जवाब अभी राजकुमार भाटी जी को देना जरूरी है भाटी जी आखिरी दौर है हम तो मध्यमार्गी हैं और मध्य मार्ग का सिद्धांत है कि अति का भला ना बोलना अति की भले ने चुप अति के भला ना बरसना अति की भले न धूप आस्था बहुत अच्छी चीज़ है पूजा पाठ भी होना चाहिए लेकिन अति की पूजा भी ठीक नहीं है हर समय खंजरी बजाते रहो हर समय रामधुनी गाते रहो देश के बारे में सोचो ही मत वो एक शायर ने लिखा नहीं कि जब दस मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में और यहाँ तो कई कई सौ करोड़ गरीब फंसे हैं शिकार में नहीं पहली बात मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्या ने ये कहा है कि राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मुर्दे में प्राण अगर डल सकते हैं तो फिर मुर्दों को जिंदा कर लो अगर पत्थर में तो ये बहुत ही निंदनीय और अभद्र बयान है मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान राम को पत्थर के रूप में मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके प्राण आ सकते हैं तो उसमें डाल दो वो उनके प्राण आए या ना आए लेकिन समाजवादी के प्राण निकालने की वो तैयारी कर चुके हैं और इसलिए मैं बा अदब विनम्रता से भाटी जी कह रहा हूँ और मैं आपका शुभचिंतक हूँ कि अखिलेश जी से कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का की विदाई करें और फिर आकर कहें कि हम अयोध्या जाएंगे अब राम को गाली देंगे राम के मंदिर का बहिष्कार करेंगे राम के निमंत्रण का अस्वीकार करेंगे और आप फिर ये कहेंगे कि हमारे हम राम को मानते हैं तो ये दो बातें नहीं चलेंगी ओके जवाब भाटी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी नहीं गए बीजेपी के पिता में लाल किसान अडवाणी जी भी नहीं गए मुरली मनोहर जोशी भी नहीं गए और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता मतलब नेता नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के नहीं गए 140 तो करोड़, करोड़ लोग क्या शामिल हो सकते थे 22 तारीख को अयोध्या में 140 करोड़ लोग जाके बैठ सकते थे जो जो नहीं पहुंचे जो जो नहीं पहुंचे वो सब हिंदू विरोधी वो सब राम विरोधी तो तो ये तो कोई तुक्की बात नहीं है अभी आचार्य जी को समझाइए नहीं अब अब आचार्य जी समझ में रहे हैं हमसे तो इनसे समझ रहे हैं ये या या है समझाएंगे नहीं तो ओके आचार्य आचार्य जी का जवाब मैं, मैं दे, जी दे, दे, दे रहा हूँ मुरली मनोहर जोशी जी अडवाणी जी या नड्डा जी या कोई भी अमित शाह जो भी है मुझे नहीं लगता कि जिनको निमंत्रण मिला हो उन्होंने उस निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे अस्वीकार किया हो किसी ना मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो उससे पहले भी गए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस निमंत्रण से पहले अखिलेश जी कितनी बार रामलला के दर्शन करने गए बताइए बताइए यही बता तो प्रॉब्लम है कितनी बारी राम लला के यही प्रॉब्लम है अरे फैजाबाद तक तो जाते थे अयोध्या नहीं जाते थे यही तो प्रॉब्लम है के पता से चला तो तो राम का राम कुछ भला भी कर देता बताइए मैं कहता हूँ राम मंदिर नहीं बन सकता था क्या अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी भव्य और दिव्य नहीं बन सकता पॉइंट ये सुनो अमीर इकट्ठा जवाब जी सुनो यादव सवाल ये रहते हुए मैं मानता हूँ मैं अखिलेश जी को आख्री, सुनो, आख्री तो आख्री आख्री तो सुनो, सुनो 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 मैं अखिलेश जी को उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं उनके घर में यज्ञ हवन अनुष्ठान होता है वो आस्तिक आदमी है लेकिन राम मंदिर का फैसला कब हुआ चार साल से ज्यादा हो गया और प्राण प्रतिष्ठा ये हो रही है निमंत्रण और इस समारोह को तुम ये कहना चाहते हो कि ये बीजेपी का था ये बीजेपी का है लेकिन भैया चार साल से रामलला वहीं थे तुम चार साल में ठीक है ओके 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 दस सेकंड में जवाब सवाल उसके बाद पब्लिक डिमांड है सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए डेढ़ सौ करोड़ के काम अयोध्या में कराए अब क्योंकि पब्लिक डिमांड है क्योंकि राम का जो हुआ है रामलला साढ़े साल बाद विराजमान हुए हैं आपने तो कार सेवा भी देखी है सुधांशु जी आपके मन में भाव क्या था जब रामलला अब, अब एक एक जी, जी, ने नेता के लिए तो भारत में एक ही नेता था जो अपनी हर सभा से पहले भजन करता था वो थे महात्मा गांधी हर सभा से राजनीतिक सभा से पहले कोई भजन नहीं करता था रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम सबको सन्मति दे भगवान वो कहावत ये मानी जाती है कथा है सत्य क्या है कि वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्होंने बहुत सारे गलत कार्य किए थे जब उनसे कहा गया राम का नाम जपो तो उन्होंने कहा कि नहीं उल्टा ना मेरा तो योग्य नहीं मानता अपने को राम का नाम उन्होंने कहा कि उल्टा यानी मरा मरा जपो तो उसके बाद भी क्या हुआ उल्टा नाम जपत जग जाना की भय ब्रह्म समाना तो मैं इनसे कहना चाहूंगा भाई इतनी बार आचार्य जी ने कहा उल्टा ही नाम जब के आ जाओ तो मरा मरा अगर कहके तुम भी अगर राम राम को भी समझ जाओगे तो शायद राज्य से जो तुम मरने की स्थिति में पहुंच गए उससे बच जाओगे मगर क्या करें एक अंत में पंक्ति कहता हूं सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही जी अच्छा जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी जो अपने राम लला को विराजमान देखा और पहला दृश्य देखा तो मन में भाव क्या है वो शब्दों में अगर बोल पाए तो वो वो शब्दों में उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता व्याख्या नहीं की जा सकती है जितना भी विपक्ष है ये बीजेपी से लड़े राम से नहीं लड़े बहुत सुन, बहुत बहुत राम से नहीं लड़ा जा सकता है सनातन से नहीं लड़ा जा जी, सकता जी। है राम भारत की आत्मा है और भारत से लड़ेंगे तो फिर हमारा बुरा हाल हो जाएगा भैया राम से मत लड़ो बीजेपी को लड़के हराया जा सकता है लेकिन राम को लड़के नहीं हराया जाए एक सकारात्मक पंक्ति कहना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ है महान यज्ञ ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए देश धर्म संस्कृति का जो भला करे नहीं ऐसी कोई बात हमें कहनी नहीं चाहिए और राजी से तो राजी चाहे नाराजगी से भी अब कोई बयानबाजी हमें करनी नहीं चाहिए